क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज दीप्ति, आई एम अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं TCS इंग्लिश स्पेशल मिक्स्ड प्रैक्टिस। ठीक है, सेशन नंबर 3 है ये। जैसा कि मेथड आप जानते हैं, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर गैस करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ईडीएम का मीनिंग आपको बताना है। हाँ जी, ईडीएम का मीनिंग आपको बताना है। द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कन्फेशन करना। ठीक है, कन्फेस हिज क्राइम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सिनोनिम आपको बताना है। गिवन वर्ड है लॉयल, क्या सिनोनिम होगा लॉयल का? बिल्कुल, इसका सिनोनिम होगा डिवोटेड। चलो नेक्स्ट बताओ, एंटोनियम आपको बताना है। वर्ड है टर्बिड, टर्बिड होता है मिक्स्ड, कंफ्यूज्ड, वैरिड, ये सारी चीजें। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लियर, टर्बुलेंस से आप रिलेट कर सकते हो। चलो फोर्थ बताओ, ईडीएम का मीनिंग आपको बताना है। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस। तो गेटिंग आउट ऑफ हैंड का क्या मतलब है? हाथ से निकलना। हाँ जी, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। चलो फिफ्थ का बताओ, ग्रामेटिकल एरर। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखो, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। तो देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वन ऑफ द मेजर सिटीज होना चाहिए। इस पार्ट में एरर है, क्या होना चाहिए? सिटीज। आपको पता है वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इनके साथ अगर आएगी तो वो सिंगुलर आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी, क्या आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल सही, इस पार्ट में एरर है, मच आएगा। रीजन समझना, मनी आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? देखो अगर आप इसको इस तरीके से सोचोगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट ना कर सके, तो आपका क्वेश्चन होगा मैं मनी को तो काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन वो वाले नाउन होते हैं जिनको एस या ईएस लगा के आप सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बना सकते, वो होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एडजेक्टिव मच का यूज करते हैं, मैनी का यूज तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए मच। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे चलते हैं। बताइए
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाँ जी, क्या आंसर होगा बताओ। दे इन्फॉर्म द टीचर दैट ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव नहीं पोजेसिव केस चाहिए, इस पार्ट में एरर हो गया, देयर आ जाएगा। बट क्या सिर्फ देयर लगा देने से सेंटेंस ठीक हो जाएगा? नहीं, फैमिली के बाद मेंबर्स लिखना सुपरफ्लूस है, ठीक है। ज्यूरी के बाद मेंबर्स लिखना सुपरफ्लूस है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ऑल ऑफ देयर मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ फैमिली लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ जी, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, होना चाहिए कि नहीं? तो देखो, आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट माई डेंटिस्ट बट हर सेल फोन अपीयर्ड टू हैव बीन स्विच्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? करेक्ट है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। रीजन ये है इस चीज का कि पैसिव में ही जाएगा सेंटेंस, फोन खुद को ऑफ नहीं करने वाला है। नाइन्थ का बताओ, इडियम का मीनिंग बताना है। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड क्या होना चाहिए? टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड बताओ। इसका होगा लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून। लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून। टेंथ देखो, कम रेन और शाइन, क्या मतलब होगा इस idiom का? कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन। इसका मतलब होता है वट एवर हैपन्स, चाहे रेन हो चाहे ना हो, जो मर्जी होता रहे, ऐसा एटीट्यूड आपको बिल्कुल नहीं रखना है। इलेवेंथ पे आओ, आंसर बताओ भाई क्या होना चाहिए। हाँ जी, मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। सबसे पहले टुमारो को ऑब्जर्व करो, टुमारो आपका चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, ठीक है। हाँ जी, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया, ये ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंस आप चेक करो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट में है तो टेंस चेंज होता है, हैव टू किस में चेंज होगा? हैड टू में, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट, करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वन। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे बताओ।
बिल्कुल इसका होगा गार्बल्ड, ये होगा करेक्ट आंसर। चलो अगेन आपके सामने नरेशन का क्वेश्चन है, बताओ क्या आना चाहिए। द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस सेज को, अगर ये सेज है तो ये सेट कैसे हो जाएगा, ये दो ऑप्शंस का। दूसरी चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा सेकेंड ऑप्शन। चलो 14th क्वेश्चन, हाँ जी, आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग, गूगली क्वेश्चन है भैया। इसका होगा नो इम्प्रूवमेंट, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ, तो यहाँ पे आएगा हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, इसका करेक्ट आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। इस नाउ की वजह से आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो पास्ट का तो आप प्रेजेंट यूज करते हो। 17th क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सेवेंटींथ क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड, तो यहाँ पे देखो अब ये लास्ट इवनिंग की वजह से क्या हुआ, पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस, तो यहाँ टेल्स नहीं टोल्ड आएगा। किस पार्ट में एरर हुई, फोर्थ में। चलो 18th का बताओ। माई डॉटर फेल स्लीप वाइल शी बीन रीडिंग, वाइल आपका आता है साइमल्टेनियस एक्शन के लिए और इसके बाद आप यूज करते हो कॉन्टिन्यूस टेंस, तो क्या आएगा, फेल की वजह से वॉज, वाइल शी वॉज रीडिंग। 19th का बताओ, 19th क्वेश्चन आपके सामने है भाई। They sealed all unauthorized farms on the highway. Tense observe करो, कौन सा है? Simple past. आपको पता है voice में tense change नहीं होता है, हाँ जी। तो past ही अगर है तो are का क्या काम है? Have का क्या काम है?
सीलिंग का कोई काम नहीं है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, बाय देम लिखने की नीड नहीं होती है। चलो 20th का बताओ। हाँ जी, इफ यू विशेस टू पार्टिसिपेट एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट कोचिंग इमीडिएटली। यू आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, तो क्या आना चाहिए? और फर्स्ट कंडीशनल है, अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट हो तो रिजल्ट में सिंपल पास्ट होता है, सॉरी सिंपल फ्यूचर होता है, रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अब सिंपल फ्यूचर तो है ही, पास्ट का कोई काम नहीं है। तो इफ यू विश टू पार्टिसिपेट ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स, तो यहाँ पे अगेन सेज है, तो सेड कैसे हो जाएगा? टेंस चेंज नहीं होता है, पर्सन चेंज होगा, आई के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी लव्स द मॉनसून्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22nd आपके सामने है, बताइए। हाँ जी, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस, एरर है इस पार्ट में, ऑलवेज आना चाहिए हैव से पहले। अब देखो ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेसमेंट हमेशा मेन वर्ब से पहले होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हैव से पहले आएगा ऑलवेज। चलो 23rd में बताओ, सीमिंग रीजनेबल, क्या होता है सीमिंग रीजनेबल, क्या होता है सीमिंग रीजनेबल? बिल्कुल सही, प्लॉजिबल। ठीक है, वॉलेटाइल होता है चेंजिंग, वर्सेटाइल हैविंग मैनी टैलेंट्स, परमिएबल जिसको परमिट किया जा सके। 24th का बताओ, 24th। हाँ जी, नोबडी टोल्ड मी वेनिता वॉज अनवेल, तो आपको पता है नोबडी आपका चेंज होता है, नॉट प्लस एनीबडी में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसको कट करो, इसको कट करो, बींग का कोई काम नहीं है, आई वॉजंट टोल्ड बाय एनीबडी दैट वेनिता वॉज अनवेल। चलो 25th का बताओ। माई गेस्ट डजेंट वॉन्टेड टू ईट एनी थिंग सिंस दे वर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी। पास्ट टेंस यूज होगा, डज नहीं, डोंट नहीं, डिड नॉट, और अगर डिड आ गया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बताइए। हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? वॉज परफॉर्म्ड, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। अब आप ऑप्शंस में देख लो, सिंपल पास्ट बीइंग का कोई काम नहीं है, वर्ब टू परफॉर्म नहीं, हैव बीन नहीं, आर स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड द प्ले ऑन एनवायरमेंट इश्यूज विद ग्रेट प्रोफेशनलिज्म। हाँ जी, 27th का बताओ। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? इसका होगा मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस। 28th का बताओ। भाई आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग, तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन इसको रिलेट करेगा इससे, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए हु हैव, तो एरर तो हो जाएगी इस पार्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता है कि हु आपका सब्जेक्टिव केस है, यूज किया जाता है पर्सन के लिए, तो मूवीज के लिए क्या करोगे? विच। देखो मूवीज बहुत सारी हैं, मुझे सिर्फ वो पसंद नहीं है जिनकी अनहैप्पी एंडिंग है, विच आपका सिलेक्शन के लिए यूज होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29th बताओ। स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग क्या होना चाहिए? इसका होगा सम्पच्युअस। 4th इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए। बाई हाउ मैनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी? तो आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। टेंस आप देख लीजिए, टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग का कोई काम नहीं है, सॉरी सिंपल पास्ट है यहाँ पे, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग का कोई काम नहीं होगा, पास्ट है तो प्रेजेंट का क्या काम है? ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, हाउ मैनी पीपल हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। हाँ जी, क्लियर हुआ भाई? तो ये था आपका आज का सेशन, आज हमने किए हैं 30 क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, ये क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन CGL 2019 प्री मेंस CHSL 2019 के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट सेट में हम करेंगे और क्वेश्चंस। अन अकेडमी प्लस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, अन अकेडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही प्लान में मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, 1 ईयर का प्लान अगर आप परचेज करोगे तो पड़ेगा करीब 4800 रुपीज़ का, 6 मंथ्स का प्लान अगर परचेज करोगे तो पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज़ का। इस प्राइस पे अगर आपको प्लान परचेज करना है तो डिस्काउंट कोड लगाना होगा PMYT। ठीक है, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, क्लास PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी आपको अलग से पे करने की नीड नहीं है।
कैसे लेना है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, प्लस सेक्शन में जाओ, एसएससी एग्जाम्स को चूज करो, अपना प्लान चूज करो और यहाँ पे कोड लगाओ PMYT और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का प्लान बेस्ट क्यों रहेगा? देखो अभी प्री के बाद मेंस भी होना है, फिर Tier 3 भी है, उसके बाद आपका 2020 का अटेम्प्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 1 ईयर के प्लान में कवर हो जाएंगी। अभिनय सर की भी शीट्स आप लगा सकते हो, पवन राव सर की भी शीट्स आप लगा सकते हो एक ही प्लान में, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा के भी आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। SSC के अलावा आप किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना हो तो भी आपको सेम डिस्काउंट कोड का यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। कोड ध्यान रखना, PMYT कोड लगाओगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ जी।